नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित एक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा जित कट वैसे पार ब्रह्म सोई सुहावा काओ जम कंकर नेड़ ना आवई रस ना हर गुण नाम जे दुख भंजन तेरा नाम।
भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधी है, आठ पहर आराधी है, पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। वाहेगुरु। इतना मन को ताकत देने वाला शब्द है ये। मन डोला हो, मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कोई मन से ये शब्द पढ़ के अरदास कर दे,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर जब कोई तकलीफ आती है तो अपने रिश्तेदारों अपने मित्रों को अपने दुख बताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे चलकर वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप नोट कर लो अपने पिछला जीवन, जब भी किसी को अपना सीक्रेट बताया है अपना दुख बताया है मजाक ही बना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग मजे लेते हैं तकलीफ दूर नहीं करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ बात नाते रिश्तेदारों की मित्रों की नहीं, यहाँ पर बात पाचा समझा रहे हैं तो क्यों लोगों के पास जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं तकलीफ आ जाए, कोई बड़ा कोई अप्रोच वाला हो, पाचा कहते हैं सबसे बड़ी अप्रोच तेरे पास है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो बेनंती अपने सतगुरु पाहे, काज तुम्हारे दे निभाए। गुरु को क्यों नहीं कहता कि तेरे कार्य रास कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारी पंक्ति है, एक एक ध्यान से श्रवण कीजिए। जा के वस खान सुल्तान, जिसके बस में सारे दुनिया के राजे महाराजे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जज होते ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जज बाबा नंद सिंह जी के पास आ गया, कहने लगा कोई ज्ञान दो। कहने लगे ज्ञान यही है, याद रखना तेरे ऊपर भी कलम चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे हाथ में कलम की ताकत है, जिसे चाहे सजा दे दे, जिसे चाहे जेल में डाल दे, जिसे चाहे माफ कर दे। चलाते वक्त कलम ध्यान रखना, तेरे ऊपर भी कलम चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा के वस खान सुल्तान, जा के वस है सगल जहान। जा का किया सब किच होए, तिस्ते बाहर नाही कोई। ऐसा कोई सृष्टि में कोई है नहीं जो उसके हुक्म के बाहर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसे क्यों नहीं कहता, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तो गुरु नानक को क्यों नहीं कहता अपनी तकलीफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को बताएगा मजाक बनेगा, गुरु को बताएगा वो तकलीफ दूर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताना ही उसे चाहिए तकलीफ जो दूर कर सके। डॉक्टर को बताएंगे ना जाके क्या तकलीफ है, वो दवाई देगा तो ठीक होगा ना। हर किसी को बताते रहोगे अपने अपने हिसाब से सब दवाइयां देते रहेंगे, बीमार पड़ जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक जब भी कोई तकलीफ आए, जीवन तो दुख सुख से भरा पड़ा है, एक मन बना लो जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, सबसे पहला काम करना है जो गुरु पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में चले जाओ, कहीं पर भी सुखासन रूम में चले जाओ, बेनती कर अकेले बैठ जाओ गुरु के चरणों में और करो बेनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, लोग कहते हैं धन्य ने पत्थर में से भगवान प्रकट कर लिया, कहने लगे नहीं पत्थर में से नहीं, धन्य ने अपनी भावना में से प्रकट कर लिया। यही पत्थर तो पंडित जी के पास भी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, जिसकी भावना है कि गुरु नानक बैठा है वो बेनती करेगा, अरदास सुनी भी जाएगी, कबूल भी होगी, दुख दूर भी होगा। और जिनकी भावना नहीं वो चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास रखो, ये वचन किसी आम इंसान के नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। मानो ये दे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक बैठा है, ये कोई अडंबर थोड़ा रचा है। पांच प्यारे सेवा कर रहे हैं, हाजिर है, चौर सेब कर रहे हैं, इतनी सुचमता से, इतनी सफाई से, एक एक चीज, एक एक रोज एक एक चीज बदली जाती है यहाँ पर। जिस प्रकार से श्री हरमंदर साहब में सेवा होती है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, उसी प्रकार से यहाँ पे सेवा होती है।
गुरु नानक आ रहे हैं, गुरु नानक बैठे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर गुरु नानक ना बैठे हों तो कोई अमृत वेले 2 बजे अपनी नींद खराब करके आ सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सबको गुरु नानक ने उठाया है तो आए हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बुलाया है तो आए हो, अपनी हिम्मत से कोई नहीं आ सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये 3 दिनों से जो शब्द चल रहे हैं ना सत्संग जी, 3 दिनों से, पहले शब्द, पहले दिन कौन सा शब्द था जो प्रकरण लगभग सेम चल रहे हैं, जाम गुरु होयवल तने क्या गारब दीजे, जाम गुरु होयवल लख बाहे क्या कीजे, के गुरु तेरी तरफ है कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर कल का शब्द है, जहाँ तू मेरे वाले है ता क्या मुझे छद्दा, तुझे सब कुछ मैंने सौंपिया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी तोटना वे खाए खर्च रंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीत्या ने मंगे मंदा, लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सबे काज सवारी है जा तुद पावंदा। सारे प्रसन्नता के शब्द है, सारे काज संवारने वाले, दुख दूर करने वाले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु अगर तू मेरी तरफ है तो कोई दुख मुझे छू नहीं सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज का शब्द, अगर कोई दुख है गुरु को अरदास कर, जिसके बस में सारे खान सारे सुल्तान है, जहाँ के वस खान सुल्तान, जहाँ के वस है सगल जहान, जहाँ का किया सब कुछ होए तिस्ते बाहर ना ही कोई, आगे सर्वन कीजिए, सबते ऊंच जा का दरबार, जिसका दरबार सारे दरबारों से ऊंचा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके दरबार जैसा कोई दरबार नहीं, सगल भगत जाका नाम आधार, सारे भक्तों का ओट आसरा है वो दरबार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उस दरबार में जपा क्या जाता है नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्व व्यापक पूर्ण तनी जा की शोभा कट कट बनी, हर जगह व्यापक है वो, व्यापक। भगवान को जब किसी की मदद करनी होती है उसे चलकर नहीं आना पड़ता, वो हर जगह है, बस प्रकट होना पड़ता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा जाता है जहाँ कोई नहीं आ सकता वहां वो बचा लेता है, जहाँ कोई नहीं आ सकता, आईसीयू में पड़े हो, पाइपें लगी हो, डॉक्टर घर वालों को मना कर देता है पास नहीं जाना, कौन आएगा वहां पे, ये प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ ये आ सकता है वहां ना माता पिता आ सकते हैं, ना भाई आ सकता है, ना मित्र आ सकते हैं, सिर्फ यही आ सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसको क्यों नहीं कहते अपनी प्रॉब्लम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस सिमरत दुख डेराट है, जिसका सिमरन करने से दुखों का डेरा टूट जाता है, भाव अगर घरों में दुख क्लेश है, तकलीफ है, सिमरन क्यों नहीं करता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इलाज बताया। जिस सिमरत दुख डेरा ट है, डेरा खत्म हो जाएगा उसका, डेरा कहते हैं निवास को, दुख आके घर में बैठ गया, जा नहीं रहा, सिमरन करो, अमृत वेले उठो, सारा परिवार बैठ जाए, दास गुरु साहब जी की हजूरी में एक बात कहता है करके देख लेना, सारा परिवार बैठ जाओ रात को 12:30 बजे स्नान करके, दुख आ जाए घर में कोई, और सारे मिलकर नाम जपो सुबह 6 बजे तक, और गुरु को अरदास करो, करा प्रसाद की देख बनाकर, कैसे नहीं दुख दूर होता, करके देख लेना प्रतक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, खाली नहीं जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में हम खाली इसलिए रह जाते हैं, हमें जोली भरनी नहीं आई, हम वो मूर्ख लोग हैं, हम इतने अभागे हैं, हमारे पास हीरे जवाहरातों की पेटी पड़ी, पर हम दर दर के भिखारी बने फिरते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जवाहरात क्या है, नाम, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, पर हम क्या करते हैं, दुख आता है तो 50 चीजें कर लेंगे, गुरु साहिब जी के पास नहीं आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका सहारा नहीं लेंगे, वाणी का सहारा नहीं लेंगे। जिस सिमरत हो तो सूखे हरे, कोई डिप्रेशन में हो, सूखा हुआ मन है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सिमरन करने लग जाए, जिस सिमरत हो तो सूखे हरे, सूखे हुए मन हरे हो जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस सिमरत डूबत पाहन तरह, पत्थर तर जाते हैं, पत्थर किसे कहा है, पत्थर हृदय वाले इंसानों को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय पत्थर हो चुके हैं, इतने पाप, इतने जुल्म करते हैं कि समझ में नहीं आता उन्हें कि जुल्म कर रहे हैं, दया है ही नहीं है। पर अगर सिमरन करने लग जाए तो उसका पत्थर हृदय भी मोम का हो जाएगा और वह भवसागर से पार हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार।
संत सभा, जहाँ पर नाम जपा जाता है उसे कहा है संत सभा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर संत महापुरुष बैठे होते हैं जैसे ये है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता ही नहीं कितने आत्माएं ऐसी बैठी हैं, कितने देवी देवता बैठे हैं। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो, अमृत वेले का समय हो, संगत जुड़ी हो ना, कहते केवल वो जो बैठे वही नहीं बैठे होते हैं, अदृश्य शक्तियां कई बैठी होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई देवता आकर बैठे होते हैं। नानक सर में तो मर्यादा है, बहुत सारी जगह आगे बहुत कीमती महंगी महंगी चादरें बिछा के खाली छोड़ी होती हैं कि यहाँ पर देवता आकर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमें नहीं दिखाई देते ना, ये हमारे पास वो आंखें नहीं है। भाई साहब, भाई गुरुकपाल सिंह जी ने एक बात सुनाई थी, उनकी सीडी में दास ने सुनी थी। कहने की मैं हरिमंदर साहब गया दरबार साहब, 30 तारीख को दिन आ रहा है गुरु रामदास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तैयारी कर लेना सब, गुरु रामदास जी मेरे, गुरु रामदास जी का दिन। बात बीच में आ गई। भाई साहब गुरु गोपाल सिंह जी कहते हैं, मैं जब जोड़े घर में जोड़े रख रहा था, एक आदमी मेरे सामने से, मेरा पुराना मित्र, लोग उसे मस्ताना मस्ताना कहते थे कि शायद इसका दिमाग हिल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आगे जोड़े वो भी रख के आगे जा रहा था, पर हरिमंदर साहब की परिक्रमा में वो सीधा नहीं चल रहा था। परिक्रमा दोपहर का समय खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर वो कभी इधर से जाता है, कभी कदम इधर उठाता है, टेढ़ा होकर चलता है, फिर 2 कदम उधर चलता है, मतलब सीधा नहीं चल रहा, खाली जगह पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो कह, मुझे तरस आ गया उसके ऊपर। मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा, भाई तू ये ऐसी हरकतें ही क्यों करता है, लोग तुझे मस्ताना कहे, क्यों ऐसी हरकतें करता है, सीधा क्यों नहीं चल रहा, सीधी खाली जगह तो है, कभी इधर 2 कदम उधर, कभी इधर। रोने लग गया, कहने लगे गुरु गोपाल सिंह जी, कहने लगे, तब मुझे समझ में आया कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख बाहरों भोले, अंदर सियाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से पाया होता है जिन्होंने, उन्हें लोग पागल ही कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मैं क्या करूं, क्या करूं, जहां पर कोई संत महापुरुष बैठा है, जहां पर कोई देवता बैठा है, उसके ऊपर पाँव रख के कैसे चला जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसे वो परिक्रमा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शक्तियां जो हमें नहीं दिखाई दे रही, और जिसे दिखाई दे रही वो ऊपर पाँव कैसे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। और आखिर में अरदास करने को कहा है ना, कि तू गुरु के आगे अरदास करना, दुनिया के आगे क्या बताता है दुख। पर अरदास में जो चाहिए कहने लगे मांग ले, पर खुद मांग के बताए कि क्या मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर मुझे संतों की संगत बख्श दे, उनके संगत में बैठकर नाम जपने का उद्दम बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि मेरे हृदय में नाम का निवास हो जाए, ये मांगा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें मांग के दिखाया, पहले कहा जो चाहिए मांग ले, अपनी तकलीफ गुरु को बता, और आखिर में मांगा क्या है, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास।
धन गुरु नानक। तीन दिन से यही प्रकरण चल रहा है लगभग, शब्द अलग अलग हैं पर भावार्थ उसके एक ही है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। तीन दिनों से हम ये समझ रहे हैं कि गुरु अगर तेरी तरफ हो जाए, तेरा पक्ष ले ले, तो दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो जादू टोना मंत्र से डरते रहते हो ना, किसी ने कुछ कर दिया है, अमृत ले उठ के नाम जपने वाला हो, बाबा नानक सिंह जी के वचन है, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है, पांचवें गुरु नानक सृष्टि के मालिक, जिस घर में अमृत वेले श्री जपजी साहब जी की बाणी, सुखमनी साहब जी की बाणी की आवाज़ आने लग जाए, जिस घर में, उस घर में ऐसी शक्तियों को कचरे के डब्बे में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए तो दास बेनती करता है कि पाठ में जुड़ो, पाठ में जुड़ो। मैं मकसद क्या है, मकसद एक ही है कि दुख खत्म हो जाए सबके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुखी हो जाए। हमें गुरु ने अमृत वेला दिया है, नेम पक्का कर लो, एक चीज की चिंता कर लो, अमृत वेला ने छूट जाए, दुनिया की सारी चिंता गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बेफिक्र होकर बैठ जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा, बेफिक्र हो जाओ, गुरु को चलाना पड़ेगा, अमृत वेला संभालोगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, हम दो काम क्यों करें, एक तो अमृत वेले भी उठे और फिर चिंता भी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेले उठ गए हैं, गुरु ने उठा दिया, तो चिंता बंद कर दो, सिर्फ चिंतन, सारे काम उसे सवारने पड़ेंगे। सबे काज सवार है जहां तुद पावंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु तेरी तरफ आके खड़ा हो जाए, तो सवाल यहाँ पर यह है कि गुरु हमारी तरफ आए कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ दिव्य गुण है, कुछ गुणों को धारण करना होगा अगर गुरु को अपनी तरफ करना है, तो तभी गुरु हमारी तरफ आके खड़ा होगा। ये गुण धारण करने ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो ये गुण तीन है, बड़ी भी है पर जो अमृत वेले उठते हैं उनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि मांग लो गुरु से उसको देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास को देखना पड़ेगा कि गुरु ने किसका किसका पक्ष लिया भगवान ने और क्यों लिया। सारा इतिहास विचार करके तीन पॉइंट मेन निकले हैं, तीन पॉइंट जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, कोई ज्यादा खोज करेगा चार पांच पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जो दास ने खोज की, जितनी मेरी सद्बुद्धि गुरु नानक ने दी है, जो मैंने विचार किए, उसमें से तीन पॉइंट मुझे समझ में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी घटनाएं हो, पॉइंट वही तीन बार बार आ रहे हैं। कृष्ण जी से बलराम ने कहा, उनके भाई ने, तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो, गलत कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कौरवों के विरोध में खड़े हो। कृष्ण जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं पांडवों के नहीं, मैं धर्म के पक्ष में हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, नहीं, तुम्हें पांडवों का मोह है, पांडव कहीं मर ना जाए युद्ध में, इसलिए उन्हें बचा रहे हैं। कृष्ण जी कहने लगे, मुझे किसी का मोह नहीं, अगर पांडवों को मैं आज बचा भी लूंगा तो कल वो क्या नहीं मरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरना या जीना जरूरी नहीं है, जीतना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पक्ष में धर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में हूँ। अगर कौरवों के पक्ष में धर्म होता, मैं कौरवों के पक्ष में होता, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, किसी इंसान के पक्ष में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या साबित होता है इससे, जिसके पक्ष में धर्म है भगवान उसकी तरफ खड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है, धर्म की कीर्त गुरु नानक पातशाह के जो मूल सिद्धांत है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जपना नहीं रखा है, सबसे पहले क्या कहा है, धर्म की कीर्त करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर नाम जपो, फिर बांट के खाओ, बांट छको। तीन मूल सिद्धांत गुरु नानक पातशाह के, पर पहला इंपॉर्टेंट सब गुरबाणी में सबसे ज्यादा उस्तत किसकी है, नाम की। सिमृत वेद पुराण पुराण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली पोसिया, सिर्फ नाम की उस्तत है। पर गुरु नानक पातशाह के मूल सिद्धांतों में नाम से भी ऊपर उन्होंने कीर्त को रखा है, सच्ची सुची कीर्त भाव, धर्म की कमाई, नेक कमाई, किसी को लूट कर, किसी को कम तोल कर, किसी को हेरा फेरी करके, कम नाप करके, किसी प्रकार से झूठ की कमाई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मिलावट की कमाई नहीं, सच की कमाई, मेहनत की कमाई। एक तरफ मलक भागों के 36 पदार्थ हैं,
एक तरफ भाई लालू का साथ दे रहे हैं गुरु नानक पातशाह, बोलिए धन गुरु नानक। क्या फर्क है यहाँ पर, कोदरे की सूखी रोटी खा रहे हैं, 36 प्रकार के भोजन नहीं खा रहे गुरु नानक पातशाह। उसने सिपाही भेज दिए कि लेके आओ गुरु नानक पातशाह को। कह लेगी मैं कैसे खाऊं तेरी रोटी, गरीबों का खून चूस कर तूने इकट्ठा किया है, ब्याज पे पैसे चलाए हैं, कर लगाए हैं, टैक्स लगा लगा के गरीबों को लूटा है, चाहे इसके 36 पदार्थ बनाए हैं, इसमें तो खून भरा पड़ा है गरीबों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कह लेंगे उनकी कोदरे की रोटी में क्या है, सूखी रोटी खा रहे हो भाई लालू की उसमें क्या है। तब गुरु नानक पातशाह ने वो रोटी मंगवाई, एक हाथ में पकड़े पूड़िया उसके पदार्थ, एक हाथ में पकड़ी सूखी कोदरे की रोटी भाई लालू की, और जब निचोड़े तो क्या हुआ सबको पता है, एक तरफ से खून रिस रहा है, एक तरफ से दूध निकल रहा है। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा इसकी धर्म की कीर्त है, ये हाथों से कमाई करता है, मेहनत करके एक बनाता है, चाहे सूखी रोटी है मैं इसके साथ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक किसके साथ है, जहां पर धर्म की कमाई है, जहां पर नेक कमाई है। गुरु पक्ष ऐसे नहीं ले लेगा आप जाके खड़े हो जाओगे मेरी काम कर दे, अगर हम अधर्म की कमाई करते हैं, लोगों को लूट कर खाते हैं, अरदास गुरु सुनेगा। फिर से बोले धन गुरु नानक। फिर कहेंगे कहो विनंती अपने सदगुरु पाए, भाई साहब ने तो कहा था शब्द पढ़ के खड़े हो जाना, भाई ये बात भी है, ये गुण होने जरूरी है। फिर से बोले धन गुरु नानक। तीन गुण है, धर्म, धर्म की कमाई, और उसके बाद सबसे ऊपर कौन सी, कौन सी पढ़ाई, जिन प्रेम कियो तिन ही बजाई जाओ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही। श्रीमद भगवत गीता में कि लोग कहते कि मैं पक्ष लेता हूं, कहने लगे हाँ लेता हूं और लेता रहूंगा, जहां पर मुझे कोई प्रेम से बुलाएगा मुझे उसका पक्ष लेना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तत् निकाल दिया, सच कह रहा हूं, कहते मैं सच कह रहा हूं, विश्वास करो मेरी बात का, केवल उन्हीं ने प्रभु को पाया है जिन्होंने प्रेम किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरफ ऋषि मुनि तपस्वी जो कई सौ सालों से, कई कुछ हजार सालों से अपने श्वास रोककर बंदगी कर रहे हैं, सबको पता है कि राम जी यहाँ आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी यहाँ से गुजरेंगे, सब आपस में रोज मिलते हैं कि राम जी आएंगे, आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं, पता है इस तरफ के लिए निकल चुके हैं, 14 वर्ष का वनवास हो गया है, और कुरुश्री ऋषि मुनि तो जानते भी है ना कमाई होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक तरफ कौन है, भेलनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई वाले कई सैकड़ों सालों से बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, और भेलनी कोई तपस्या नहीं है उसकी, केवल प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात राम 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 राम, मेरे राम जी आएंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, इंतजार ये भी कर रहे हैं साधु महापुरुष ऋषि मुनि तपस्वी, इंतजार भीलनी भी कर रही है, पर भीलनी के इंतजार में प्रेम है। प्रेम कैसे है, इंतजार वो भी कर रहे हैं पर कोई तैयारी नहीं है, जब आएंगे तब सफाई करेंगे, जब आएंगे तब तैयारी करेंगे, तब सजाएंगे। भीलनी रोज अपना आंगन सजाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हर रोज बेर तोड़ कर लाते कि अभी राम जी आ गए तो क्या करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज झाड़ू मार के छिड़काव करती है कि जब राम जी आए तो धूल ना उड़े। हर रोज हर सेकंड वेट कर रही कि अभी आ गए तो। ये है प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठते हम भी अमृत वेले, जागते महापुरुष भी हैं। पर महापुरुष जब नाम जपते हैं तो इस चाव से जपते हैं कि अभी मिले कि अभी मिले गुरु नानक, इस मोती पे मिले कि इस मोती पे मिले। हम तो पहले सोच के बैठे होते हैं मिलना तो है नहीं, नित्रेम करके सो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। और राम जी किसके पास आए? ऋषि मुनि आवाजें देते रह गए, हाथ जोड़कर खड़े रहे। वो राम जी चलते जा रहे हैं सीधा भिलनी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जूठे बेर खा रहे हैं उसके प्रेम में, भूल गई कि जूठा नहीं खिलाने, खा खा के दे रही है कि कड़वा ना दे दूं, खट्टा ना दे दूं, मीठा बेर खिलाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम में भीगी हुई है। और राम जी ने कितनी वड्याई दी। सारी घटना तो बड़ी लंबी है, शॉर्ट में बता रहे हैं। अपने साथ सुनी भी होगी कि ऋषि मुनियों ने इसे, तालाब था जहाँ पे सब स्नान करते थे, कह लगे तू नीवी जात की है, छोटी जात की है, तो वहाँ पर स्नान नहीं कर सकती, वहाँ पे नहीं आने तूने। तो बिल्ली बेचारी यहाँ बैठी रहती थी और उस तालाब में कीड़े पड़ गए थे। ऋषि मुनि भी स्नान नहीं कर पाए क्योंकि बिल्ली को रोक दिया आने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान थे, कई यज्ञ किए, कई कुछ हवन किया, नाम जप मंत्र जाप किया कि पानी शुद्ध हो जाए, नहीं हुआ। आखिर में राम जी का इंतजार कर रहे थे, राम जी के चरण पड़ जाएंगे, पानी शुद्ध हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को प्रार्थना की भी तालाब में पानी में कीड़े हैं, हम ना पी पा रहे हैं ना स्नान कर पा रहे हैं, आप अपने चरण उसमें डाल दो ताकि। राम जी कहने के भले ले चलो, चरण डाले राम जी ने, कोई फर्क नहीं पड़ा, कीड़े वहीं के वहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, भाई ये कैसे हो गया। ऋषि मुनि कहने लगे आप तो अवतार हो समय के, आपके चरण डालने से कैसे नहीं तालाब पवित्र हुआ। राम जी कहने लगे नहीं, अगर सच में चाहते हो तालाब पवित्र हो जाए, भीलनी के चरण धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका चरणामृत लेकर इस तालाब में डालो, तब जाके तालाब का पानी शुद्ध होगा, वरना सारा जीवन ऐसे ही बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऋषि मुनि, वो लोग जो अपने ऊंचे जाति के अभिमान में बैठे थे, अपनी तपस्या के अभिमान में बैठे थे, उन्हें भीलनी के चरण धोने पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करते हैं राम जी, जिन प्रेम किया उसके पास है और उसे वड्याई दिलवाई, वड्याई दी और वड्याई दिलवाई, उसके चरण धोकर जब डाला गया जल सरोवर में, तब जाकर वो सरोवर का पानी शुद्ध हुआ। इससे क्या साबित होता है? हर जियो हर जियो निमाणिया निमाणियों को मान देता है वो जो उसे प्रेम करते हैं। यहाँ पर तीन पॉइंट सिद्ध होते हैं, चाहे सारा इतिहास देख लो, जहाँ तक दास की बुद्धि ने काम किया है, जहाँ पर धर्म है, सच है, जो सच्चा है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर सच की कमाई है, गुरु उनका पक्ष लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच की कमाई तो इतनी इम्पोर्टेंस दी, अगर उसको लेके बैठूं तो कई प्रकरण बन जाते हैं। गुरु नानक पाशा के जीवन की इतनी घटनाएं आती है, इतनी घटनाएं आती हैं। गुरु नानक पाशा भाई मर्दाना जिसे कहा करते थे, जन्म साखी पढ़ेंगे ना तो इसमें कई बार आता है कि सुमेर पर्वत गए, वहां गए, कहते थे आंखें बंद करो, आंखें बंद करते सत करतार कहते थे, प्रकट होते थे जहां पहुंचना होता था, पर कई जगह पर पैदल चल के जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई बालाजी पूछते थे आज क्यों चल रहे हैं इतनी देर से, इतने दिनों से आज क्यों नहीं प्रकट हो रहे। कहने लगे नहीं, आज जहाँ जा रहे हैं ना, जिसके पास, जिसके दर्शन करने जा रहे हैं, वो धर्म की कीर्त करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव पुण्य कमाना है, जो मेहनत की कमाई करके खाती है गुरु नानक पाशा उसे दर्शन करने जा रहे हैं उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। सालस राय जौहरी के पास चलकर गए, हीरो का व्यापारी था पर धर्म की कीर्ति करता था, लूटता नहीं था, हक के खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब इतना जुल्मी पर इतनी देर टिका क्यों रहा पता है? इतने लोगों से उसने लड़ाई की, हार नहीं पाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा लिखा तब जाके बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा है, उनके जैसा कोई लिखारी नहीं। उसके हृदय को एक एक बात छेद कर गई, पर वो इतने लोगों से कैसे लड़ पाया? शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद कितने लोगों से लड़ पाया? तो महापुरुष कहते थे औरंगजेब की बहुत बड़ी एक खासियत थी जिसकी वजह से इतने लोगों से लड़ पाया। इतना बड़ा शहनशाह बादशाह होते हुए भी कभी वो राजमहल के टैक्स के पैसों से खाना नहीं खाता था। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उसकी एक कनक थी, उसका एक कैरेक्टर था। क्या कैरेक्टर था? टोपियां सीता था। टोपियां सीकर उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता था केवल उसी पैसे का जितना अन्न मिलता था वो खाता था, राजकोष में से लोगों की कमाई के पैसे नहीं खाता था। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो अपनी मेहनत का खाते हैं ना, दूसरों का हक मार के नहीं खाते, उनकी कमाई इतनी बढ़ जाती है कि कोई उनसे लड़ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा महार नाम सिंह जी वचन किया करते थे। किसी ने बाबा महार नाम सिंह जी से सवाल किया, पाछा हमने देखा है कि ऋषि मुनि को कोई मांग के लाते ना रोटी, घर से दो रोटी मिल गई, उसमें से भी एक रोटी कुत्ते को डाल देते हैं और खुद एक खाते हैं। अगर एक मिल गई आधी कुत्ते को डाल देते, आधी खुद खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो पेट कैसे भरता होगा? बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा नाम सिंह जी के मूर्छित, ज्ञान की बात है ले लो, बहुत ज्ञान की बात है। कहने लगे टका टका जोड़कर 100,000 बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो रोज ऋषि मुनि तप करके कमाई करते हैं ना, मेहनत करके कमाई करते हैं, दिन रात नाम जपते हैं, अगर हर घर से खाना खा खा के पेट भरने लगे तो कमाई तो खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए वो थोड़ा खाते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई है, किसी की मेहनत किसी ने की, खा वो रहे हैं तो अपनी कमाई में से हिस्सा देना पड़ता है, तो बचाते हैं कंजूसी से, नहीं खाते हैं, थोड़ा खाते हैं बाकी बांट देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते इसलिए उस वक्त उन्हें समत्व बख्शी, कहते हैं कीर्तनीय रागी प्रचारक हम जैसे लोग 36 प्रकार के भोजन पका के देते हैं, खाना बना के देते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे अच्छे कमरे देते हैं, घूमने के लिए गाड़ियां देते हैं। कहते फ्री में कुछ नहीं मिलता, जो भी कीर्तन करके पुण्य कमाए होते हैं, नाम जप के अमृत वेला संभाल के सब बांटना पड़ जाता है अगर अपनी कमाई ना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए सुमत बख्शे थे, समझो कोई आपको भोजन खिला दे, हमें सुमत बख्शते थे। अगर कोई भोजन खिला दे 5 जपजी सेवजी के, उसके लिए करो अरदास करो उसके लिए, नहीं तो तुम्हारी कमाई में से माइनस हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई तुम्हें बस्तर दे दे बना के, तो कहते थे 11 जपजी सेवजी के करो उसके लिए, उसने बस्तर दिए, नहीं दोगे तुम्हारे निकल जाएंगे, उसे पहुंच जाएंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलता प्रकृति में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सृष्टि का नियम है, कोई रहने को कमरा दे दे, खाना भी दे दे, कपड़े भी दे दे, 25 श्री जपजी साहब जी के करो उसके निमित्त। इसीलिए तो सारे महापुरुष संकोचते हैं सामान लेने के लिए, और लेते हैं तो बांट देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते जो पूर्ण महापुरुष होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस्तेमाल उतना ही करते जितनी जरूरत है, बाकी सब बांट देते हैं संगत में, नहीं तो खाली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका एक मतलब और भी है, जो लोग दूसरे को लूट कर खाते हैं, हक मार के खाते हैं, चलाकी से पैसे ले लेते हैं, खाली माइनस में चले जाएंगे, माइनस में। वो समझते कि हमने बड़ी चालाकी की, हमने अपने तेज दिमाग से, बुरा लग रहा है यहाँ पे कहने में, गुरु नानक मेहर करे, सच में बहुत बुरा लग रहा है, कहना पड़ रहा है, पर मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, गुरु सबके पर्दे ढके, पर हमारे गुरुद्वारे में ऐसे 1-2 लोग हैं जो मेरे साथ खड़े रह के फोटो खिंचाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डाल के बोलते हैं हम भाई साहब के करीब हैं, दिखाते हैं लोगों को और लोगों से पैसे मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों से कितने लूट लिए, मैंने उनको अपने पास आने से मना कर दिया, भाई मेरे पास आके फोटो ही मत खिंचाना, इनको तो दूर ही करो, इतनी कंप्लेन है लोगों की। ये क्या कर रहे हैं? वो उन्हें लग रहा है कि हम फायदा उठा रहे हैं लोगों का, हम बहुत चालाक है, नहीं तुम दूसरों का भरोसा तोड़ रहे हो, चालाकी नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने तुम पे विश्वास किया है, मैं तो हाथ जोड़कर बोलता हूँ मेरे नाम पे कोई कुछ मांगे तो बोलना भाई साहब से बात कराओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
संभालो अपने पुण्य, अमृत वेला किया है, उठे हो तो इन चीजों पे ध्यान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ये पॉइंट बीच में आ जाते हैं, गुरु साहब जी बुलवाते हैं, कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई तकलीफ आए, जो भक्तों ने किया है वही करना है। क्या किया है? काज तुम्हारे देवी के जीवन में तो चमत्कार ही चमत्कार भरे पड़े हैं। इनका एक शब्द है जिसमें हर पंक्ति में एक चमत्कार का जिक्र है, जो उनके साथ घटना घटी है, हर एक पंक्ति में एक घटना है। बताओ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतना बड़ा शब्द है और हर पंक्ति में उनके जीवन की घटना जो उनके साथ बीती। भगत नामदेव जी ये शब्द उच्चारण करके समझाते हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई तू क्यों नहीं करता जो मैंने किया। क्या किया मैंने? मैं धर्म पर चला, नाम जपा, संतों की संगत की, गुरु मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेहनत की कमाई की। भगत नामदेव जी, गुरु मेरे साथ आके खड़ा हो गया, हर पहलू में मेरा साथ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक एक पंक्ति है, श्रवण कीजिए। जो गुरुदेव देहो रा फिरे, जो गुरुदेव का छपरी छाई, जो गुरुदेव सहज निकसाई। चार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कह रहे हैं पहली पंक्ति, जो गुरुदेव देवरा फिरे, सबको पता है जो जो नाम हर गुण उचर है भगत जना को। जो जो
से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द भगत नाम जब जी गुजर रहे हैं, शॉर्ट में लाइव दास लेगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। भगत नामदेव जी गुजर रहे हैं, जुड़ी रहती है सुरत, मंदिर में आवाज आई आरती की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी जात के मंदिर में अलाव नहीं है उन्हें आना, पर भूल ही गए, आवाज सुनी बैठल बैठल की पहुंच गए और चप्पल उतारना भी भूल गए। वो खड़ाव पहनी होती है ना, वो जैसे हम बजाते हैं ना उसको भी की कहते हैं खड़ताल, खड़ताल बजाते हैं ना, तो खड़ाव पकड़ के खड़ताल के जैसे बजाने लग गए मंदिर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध बुद्धि ना रहे, राम नाम से इतनी प्रीत, बीटल 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 बजाने लग गए। देख लिया पंडितों ने, ऊंची जात वाले ब्राह्मणों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पीटा, दुखी मन दुखी शरीर मंदिर के पीछे जाके बैठ गए और ये शब्द उच्चारण किया। हीनड़ी जात मेरी जादमर आया, छिपे के जन्म काहे को आया, कि मेरी मुझे नीवी जात में क्यों जन्म दिया कि मैं तेरी भक्ति भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ले कमली चलियो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए, पीछे जाकर बैठ गए देवरे, पूरा शब्द है। और आखिर में क्या हुआ, भगवान से ये देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उनका पक्ष लिया था। आरती हो रही है, पूरा मंदिर ही घूम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस तरफ भगत नामदेव जी पीट करके बैठे हैं, पूरा मंदिर ही घूमकर उस तरफ हो गया, नामदेव जी की तरफ मुख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे लोग देखकर हैरान के मंदिर कैसे घूम सकता है। कई लोग आज भी कहते हैं मंदिर कैसे घूम सकता है। मैं एक किसी की कथा सुन रहा था, यही तो बात है ना, शंका होनी चाहिए अपने दिमाग पर, विश्वास होना चाहिए गुरु पे। यहाँ पे शंका करते हैं गुरु पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जो सारी पृथ्वी को घुमा रहा है, जो चंद्रमा सूरज को घुमा रहा है, सारी सृष्टि को कायनात को घुमा रहा है, वो एक मंदिर नहीं घुमा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेन बात है, इसका प्रूफ है औंडा नागनाथ। जब आप जाए ना हजूर साहब, नांदेड़ साहब यात्रा पे जाए, तो वहाँ से गाड़ी कर लिया करो औंडा नागनाथ जाने के लिए। वहाँ पर यह मंदिर है, दास ने खुद दर्शन किए, पूरा मंदिर घूमा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी वो मंदिर वहाँ पे है, शुक्र है, नहीं तो लोगों ने कहना था ऐसी बातें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बीच में आ गई तो एक अनाउंसमेंट कर दिया दास बड़ी खुशी की। पिछले साल हमने नए साल में जनवरी के महीने में श्री हरिमंदर साहब यात्रा निकाली थी और 300, 400, 500 गाड़ियाँ हो गई थी वहाँ पर पहुँचते तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनती नहीं एक्चुअली में कितनी हो गई थी, पर वो सफर था 10 दिनों का। इस बार प्रोग्राम बनाया जनवरी का श्री हजूर साहब की यात्रा का। तो मेरे तो ख्याल है 1300 गाड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 5 दिन का प्रोग्राम है। 2 दिन जाना, 1 दिन जाना, 1.5 दिन, 1.5 दिन आना, 1-2 दिन वहाँ रहेंगे। ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 5वें दिन घर पे, और सोच समझ के बनाएंगे प्रोग्राम हॉलीडेज वगैरह देख के, ताकि संगत को आसानी हो। तो ज़रूर सारी संगत साथ में चले, मेरा मन है वहाँ भी जाए, वहाँ से नानक जीरा साहब भी दर्शन करें और उसके बाद औंडा नागनाथ जहाँ भगत नामदेव जी का ये मंदिर है वहाँ पर भी दर्शन करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करें। बात बीच में आ गई, यहाँ पर भगत नामदेव जी कह रहे हैं मेरा पक्ष निरंकार ने लिया, मैं जाके वहाँ पीछे बैठा रो रहा था, भगवान ने मंदिर ही घुमा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वाणी में दर्ज है, गा रहे हम जो जो बड़ी प्यारी घटना ये वाली।
इसमें भी बहुत सारे ज्ञान भी है और हंसी भी आती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने जो गुरुदेव, अगर गुरु तेरी तरफ है तो मेरे साथ ये भी हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी घटना है। बादशाह जब भगत नामदेव जी को बहुत नाम हो गया, सारे ऋषि मुनि में माथा टेकने लग गए, ये तो महापुरुष ही है ना, क्योंकि जान गए भगत नामदेव जी की अवस्था क्या है, सब मान गए, बड़े बड़े उनके शिष्य बन गए, ज्ञानी ध्यानी। तो जो वहाँ का बादशाह था उसने भगत नामदेव जी को अपने महल में बुलाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और उनका सत्कार किया, भोजन कराया। भगत नामदेव जी बैठे हैं जैसे कर रहे हैं। आखिर में बादशाह कहने लगा, मेरा मन है अब खाली हाथ मत जाना, आपके लिए मैंने एक बहुत कीमती पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है, बड़ा ही कीमती, मेरा मन करता है वो मैं आपको दे दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन की लकड़ी है, बड़ी महंगी कढ़ाई है और मखमली बिस्तर है, बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने लगे, भाई मैं जमीन पर सोने वाला आदमी, मैं तो खटिया भी नहीं है मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत के गरीब, आपको पता है ना भगत नामदेव जी, धन है ही नहीं पर चाहिए भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों के मन की अवस्था अपनी होती है, वो किस रंग में होते हैं ये हमारी समझ के परे है। उन्हें ना सोना चांदी ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो फिर अगर वजह लेके बैठ गया तो एक बड़ी बहुत बड़ी कथा है गुरु नानक पातशाह ने बताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी भगत नाम जपने वाला धन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसके पीछे पूरी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। भगत नामदेव जी को कहने लगा बादशाह कि एक पलंग ले जाओ। भगत नामदेव जी कहने लगे, भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे मत देना पलंग। पर बादशाह सुने ही ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार करना है आपको, खाली हाथ कैसे भेजू, मेरे मन की इच्छा है। भगत नामदेव जी ने बड़ा कहा, पर बादशाह नहीं माना, अपने नौकरों को उठवा दिया, पलंग के साथ में लेके जाओ, छोड़ के आओ घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी चल रहे हैं रास्ते में, वो नौकर सैनिक पलंग उठा के चल रहे हैं, रास्ते में नदी आ गई। भगत नामदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा, देखो, कहने लगे, भाई बादशाह ने पलंग दे दिया, मैंने ले लिया, अब मेरी बात मानो, मेरा हो गया, मैं कुछ भी करूँ। कहने लगे, हाँ इसे नदी में फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे, बादशाह नाराज हो जाएगा। कहने लगे, जब चीज मेरी हो गई, बादशाह को क्या लेने देना, मैं क्या करूँ, फेंक दो, मेरे पास इतना बड़ा कमरा ही नहीं कि मैं इतना बड़ा पलंग रख सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन संभालेगा इन चीजों को, मुझे नहीं चाहिए। भगत नामदेव जी के कहने पे वो सैनिकों ने पलंग नदी में फेंक दिया। पलंग बड़ा भारी था, उसके साथ लोहे के बड़ा कुछ लगा हुआ था, सोने की चीजें जड़ी हुई थी, वो पानी में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सैनिक वापस गए, बादशाह ने पूछता, अमीर आदमी को होता है ना सामान देना, तो उसके बाद सेवादार उससे जरूर पूछता है, कैसा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा लगा उनको, होता ही है। तो बादशाह ने पूछा, कैसा अच्छा लगा उनको पलंग पे लेटे बैठे। कहने के, कहाँ, उन्होंने तो नदी में फिकवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह बड़ा उदास हो गया, गुस्सा आ गया, उसे क्रोध आ गया, इतना महंगा पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है फिकवा दिया, ऐसी कैसे हिम्मत हुई रामदेव जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह अहंकारी तो होते। एक घटना याद आ गई मुझे, बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों के, किसी ने बड़ा कीमती ना कपड़े लेके आया उनके लिए, उनको ला के दिया कि आप पहनना, सिला कर पहनना। महापुरुषों ने देखा, पास में कोई गरीब खड़ा था, लेके उसे दे दिया। एक्चुअली करता हमें भी यही करना पड़ता है, ऐसे नहीं कह सकता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोग ला के देते हैं तो आगे ही देना होता है, पर सामने नहीं देता मैं, किसी को बुरा लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर वो महापुरुष वो बेपरवाह, हम तो परवाह करते हैं लोगों की, उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने उसे सामने ही लिया उस अमीर आदमी से और लेके गरीब को दे दिया, जा। वो अमीर आदमी नाराज हो गया, मैंने इतना महंगा कपड़ा दिया आपने उसको दे दिया। कहने लगे, तूने दे दिया, हमारा हो गया, हम कुछ भी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू देने के बाद भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ पा रहा कि तूने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने दे दिया, हमने ले लिया, हम चाहे जो मर्जी करें, प्यार अगर चाहिए तो वापस ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बादशाह को बहुत बुरा लगा और
जो भगत नामदेव जी के खिलाफ थे दरबारी, उन्होंने कान भर दिए कि आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती की है, आपने इतने प्रेम से अपने बच्चे का पलंग उन्हें दिया, उसने डुबो दिया नदी में, उसने आपकी कदर नहीं की, उसने आपकी हत्या कर दी, दुनिया हंस रही आपके ऊपर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह को क्रोध आ गया, कहने लगा भगत नामदेव जी को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्या कहा कि भगत नामदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि नदी में फेंक दिया है, सैनिक भेज दिए, मंत्री भेज दिए घर पे। भगत नामदेव जी को कहते हैं बादशाह कह रहे पलंग वापस दे दो, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना इस वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, पलंग वापस दे दो। अभी वो जानता था पलंग तो नदी में डूब गए, कहां से वापस देंगे। अब मैंने वापस मांग लिया अपनी दी हुई चीज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने के मंत्र से भाई मैंने तो सैनिकों से पूछो, वो तो नदी में फेंकवा दिया था, मेरे पास कमरा ही इतना बड़ा नहीं कि पलंग रखूं, मैंने मना भी किया था, जबरदस्ती दे दिया। मंत्री कहने लगे भाई कुछ भी करो, पलंग तो वापस चाहिए, ये तो बादशाह सजा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह बहुत नाराज है, उसे पलंग वापस चाहिए ही चाहिए। तो भगत नामदेव जी आखिर में मुस्कुरा के कहने लगे अगर पलंग वापस चाहिए ना, बादशाह को उसी दरिया के किनारे पे आके खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, दरिया के पास आके कैसे पलंग मिल जाएगा, इतिहास है सात संगत। सारी खलकत वहां पे आके खड़ी हो गई, जितना पास पास का एरिया था हजारों की तादाद में लोग खड़े, बादशाह खड़ा है, कहने लगा दो मेरा पलंग। भगत नामदेव जी कहने लगे देता हूं। कल वाली बात याद है, इब्राहिम ने नजर भर के देखा, एक मछली बाहर आई सुई लेकर। भगत नामदेव जी ने दरिया में नजर भर कर देखा, हजारों पलंग तैर कर ऊपर आ गए कीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो बादशाह ने दिया था उससे कई बढ़कर, उससे कई महंगे और कई कीमती पलंग बाहर आ गए, तैर रहे हैं। और भगत नामदेव जी कहते हैं बादशाह तेरा कौन सा तू ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरुदेव सहज निकसाई, सहज पानी के ऊपर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही घटना नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास बहादुर शाह लेके आया कीमती हीरा, गोदावरी के किनारे खड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बहादुर शाह हीरा लेके आया और हीरा गिफ्ट देके मन में सोचने लगा इतना महंगा गिफ्ट कभी आज तक गुरुसाहिब जी किसी ने दिया ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार आ गया कि मैं हीरा दे रहा हूँ इतना कीमती, और आज तक किसी ने इतना महंगा गिफ्ट ना उनको दिया होगा ना ही उन्होंने देखा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन, काट काट के पले बुरे की, वो तो अंदर की जानते हैं। जैसे ही बहादुर शाह का मन पड़ा, गुरु गोविंद सिंह ने हीरा गोदावरी नदी में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह नाराज हो गया, शहनशाह है बादशाह है कि आपको कदर नहीं, हीरा था वो इतना कीमती, ऐसा हीरा तो आपने देखा भी नहीं होगा जो मैंने आपको दिया है, इतना कीमती हीरा नहीं चाहिए तो वापस दे देते, ऐसे फेंक क्यों दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगर तुझे वापस चाहिए तो आ, गोदावरी के पास खड़ा किया, कहने लगे देख ले झांक वहां पे जो तेरा हीरा पहचान के निकाल ले। जब बहादुर शाह ने झांका नदी में गोदावरी में तो हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं, उससे कई कीमती हीरे अंदर भरे पड़े हैं, कहने लगे जो तेरा है ले जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बहादुर शाह ने चरणों में माथा टेक दिया कि सृष्टि जिसकी गुलाम है उन्हें इस एक पत्थर की क्या परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पक्ष गुरु ले ले। इसीलिए पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तू अपनी तकलीफ उसे बता जिसके बस में सारे राजे महाराजे सारे मंत्री सारे मिनिस्टर सारे पुलिस वाले हर आदमी उसके बस में है, अगर वो तेरी अरदास सुन लेगा तो फिर उसके पास काम लेके जाएगा तो वो काम करेगा, नहीं तो ये लोग काम भी नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसीबत के समय में फोन करो ना तो फोन भी नहीं उठाते। अगर गुरु को अरदास की हो, गुरु हृदय में जाके बैठता है, फोन भी उठता है, काम भी होता है, अगर गुरु साथ है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नहीं होता साथ संगत। इसीलिए गुरु को साथ ले लो, और गुरु को साथ रखना है धर्म की कीर्त प्रेम। प्रेम बिना नेम के पैदा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर प्रेम चाहिए तो नेम संभालो नित्यनेम रोज बिना नागा, उठो फिक्स टाइम पे बैठ जाओ, उद्यम करो आलस छोड़ो, प्रेम पैदा होगा। है बाबा कुंदन सिंह जी के वचन कि प्रेम नेम की गली में से गुजर कर जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, नित्य नेम संभाल लो, किसी तरह से संभाल लो, 10 काम छोड़ दो 100 काम छोड़ दो, अमृत वेला मत छोड़ो,
जिसने सब कुछ देना है उसे मत छोड़ो और अपना कोई दुख तकलीफ गुरु के पास जाके। सच कहता हूँ, एक बार बैठ के तो देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में अकेले सुखासन कमरे में बैठ जाओ, जहाँ पे गुरुद्वारे में प्रकाश होता है, कोई नहीं होता, दोपहर को जाके बैठो और बात करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक करके देखो, चमत्कार देखोगे लाइफ में, अलग ही अनुभव होगा, अलग ही ताकत आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब प्रधानमंत्री दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, डर लगेगा किसी से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी पुलिस वाले से, किसी से कोई डर लगेगा? नहीं। प्रधानमंत्री जो चाहे करते, ये प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि का मालिक है ये, जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे प्रधानमंत्री से उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी ने प्रसन्न होकर एक सेवादार से कहा था, 70 साल से पता नहीं कितने साल दूध की सेवा की थी, दूध रोज लाना। एक दिन प्रसन्न हुए, नक्शा निकाल के बैठ गए, नक्शा वर्ल्ड का मैप, और कहने लगे बता कौन से देश का राजा बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उंगली रख दे, उसी देश का राजा बना देंगे, तेरी सेवा पे इतनी प्रसन्न है। एक महापुरुष के हाथ में इतनी ताकत है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन से देश का राजा बनना है, और हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा काज अपने सतगुरु पाए।
कभी बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा तो चलन बन जाए जाई जाया सगे अमृत
ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵੱਜ ਤਰ ਮਧੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਪਿਆਇਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਜਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा सतगुरु दीन दयाल शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा हर वेली हर हाल शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा सतगुरु दीन दयाल शुकराना तेरा आहा साने कृपा कीती मेरा दमी वरसाया सेवा सतसंग सिमरन बख्शिया चंगे पासे लाया हर दम नाल गुरु जी हो रख दे ख्याल गुरु जी जो लिखे जा पा दे लगिया तोड़ निभा दे मैं वारी वारी जावा क्यों ना शुक्र मनावा शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा हर वेली हर हाल शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा हाँ हाँ शुकराना तेरा। तू लजपाल गुरु जी हर दम लाज बचावे सुना तू लजपाल गुरु जी हर दम लाज बचावे लड़ लगिया दा मान बदावे सुते पाग जगावे हर दम नाल गुरु जी परख दे ख्याल गुरु जी जो लिखे जा पा दे लगिया तोड़ निभा दे मैं वारी वारी जावा क्यों ना शुक्र मनावा शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा हर वेली हर हाल शुकराना तेरा आहा शुकराना तेरा हाँ हाँ शुकराना तेरा। ये हो अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे बस ये हो अरदास करा मैं साहिब सतगुरु प्यारे जीवे तू साडा हथे फड़िया सबनू दई सहारे हर दम नाल गुरु जी जय हो रख दे ख्याल गुरु जी जय हो जो लिखे जा पा दे जय हो लगिया तोड़ निभा दे मैं वारी वारी जावा क्यों ना शुक्र मनावा शुकराना तेरा हर वेली।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः
जय गुरु जी की।